हेलो गाइस, आई एम राज एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश कॉर्नर विद राज मेहरा। आइए एक न्यूज़ पढ़ते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं और इसमें देखते हैं हम लोगों कौन कौन से इंग्लिश के नए वर्ड मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कारगिल मार्टर्स, सन पिक्स ट्रेंचेस ओवर बोर्डरूम। ठीक है, जो ये कारगिल के मार्टर हैं, मार्टर मीन्स होता है शहीद। ठीक है, तो कारगिल मार्टर्स सन, तो ये कारगिल के शहीद का कोई बेटा है, तो उसने उस बेटे ने क्या किया, पिक्स ट्रेंचेस, उसने ट्रेंच पसंद किए। पिक मिस होता चूज़ करना, पसंद करना, सेलेक्ट करना। ट्रेंचेस मिस होता जिसमें फौजी लोग एक गड्ढा सा बना के लंबा सा उसके बीच में बैठ के वेट करते हैं, अपने दुश्मनों का गोली मारते हैं। ठीक, खाई टाइप में जो होती है, बॉर्डर में आपने देखी होगी। तो जो कारगिल शहीद का जो बेटा, उसने ट्रेंचेस को पसंद किया ओवर बोर्डरूम, बोर्डरूम की अपेक्षा। मतलब ये बोर्डरूम मिस होता है एक रूम होता है जहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को कंट्रोल किया जाता है। मतलब इसके मुकाबले ट्रेंचेस ज़्यादा पसंद की उसने, एक शहीद के बेटे ने। ठीक है, आइए न्यूज़ पढ़ते से समझते हैं। आ कारगिल मार्टर्स सन, एक कारगिल शहीद का लड़का। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी एस लगाओ। मार्टर्स, मार्टर मिस होता शहीद। एक कारगिल शहीद का बेटा, हैज़ प्रीफर्ड, उसने पसंद किया। प्रीफर मीन्स होता जब दो ऑप्शन मिलते हैं उसमें से आपको एक पसंद करना, तो वहाँ पे प्रीफर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कारगिल शहीद का एक लड़का था, हैज़ प्रीफर्ड, उसने पसंद किया। टू सोल्जर ऑन, सोल्जर ऑन मीन्स होता डटे रहना। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी कहीं पर डटे रहना, तो उसे सोल्जर ऑन बोलते हैं, ये वर्ब है। ठीक है, जैसे फौजी लोग डटे रहते हैं अपने बॉर्डर पर, तो उससे बना हुआ है। तो ये कारगिल मार्टर सन, जो कारगिल शहीद का एक लड़का, हैज़ प्रीफर टू सोल्जर ऑन, तो उसने फैसला लिया डटे रहने का। इन हिज फादर्स डॉन्टिंग फूट स्टेप्स, किस में, इन हिज फादर्स, अपने पिता के, डॉन्टिंग मिस होता है चुनौती भरा, कठिन। तो डॉन्टिंग मिस होता है चुनौतियों से भरा हुआ कोई कठिन टास्क या चैलेंज, उसे डॉन्टिंग बोलते हैं। डॉन्टिंग टास्क, डॉन्टिंग चैलेंज, डॉन्टिंग वर्क। ठीक है, तो जो उसके पिता का जो कठिनाइयों भरा जो नक्शे कदम था, उसको उसने पसंद किया। ठीक है, रैदर देन, ये हूट फूट हो, हॉट फूट होगा। ठीक है, रैदर देन हॉट फूट इट टू द टॉप बी स्कूल, तो टॉप बी स्कूल में जाने से बेटर उसने क्या समझा, अपने पिता के नक्शे कदमों पे चलना ज़्यादा बेहतर समझा। तो हॉट फूट का, ये हॉट फूट है, ठीक है, ये एक ये नहीं लगेगा, हॉट फूट का मतलब होता है गो समवेयर, कहीं पे जाना। ठीक है, रश टू समवेयर, तो बी स्कूल में जाने से अच्छा उसने अपने पिता के नक्शे कदमों पे चलना ज़्यादा उचित समझा। ठीक है, एग्जैक्टली 45 डेज बिफोर ही वॉज बॉर्न, तो ये बोले ठीक 45 दिन पहले ही वॉज बॉर्न, उसके पैदा होने से। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि जब कब शहीद हुए थे वो। प्रज्वल समृत फादर, जो प्रज्वल समृत के जो पिता हैं, लैंस नायक कृष्णाजी समृत, ठीक है, वॉज मार्टर्ड इन द 1999 वॉर, तो वो मार्टर हो गए थे, वो शहीद हो गए थे 1999 के युद्ध में, उससे ठीक 45 दिन पहले उनके पैदा होने से। ठीक है, द रेजिडेंट, ये क्या, ये कहाँ के निवासी थे, द रेजिडेंट ऑफ पुलगांव, ये पुलगांव के निवासी थे ये। ठीक है, ये लैंस नायक कृष्णाजी समृत, ये कहाँ पे पड़ता है, नियर नागपुर, नागपुर के पास में पड़ता है। तो ये जो लैंस नायक कृष्णाजी समृत थे, वॉन्टेड, वो चाहते थे हिज एल्डर सन, ठीक, अपने जो सबसे बड़ा जो उनका लड़का था, उनको चाहते थे। देन, जो तब उनका बड़ा लड़का कितने साल का था, देन बेयरली 2.5, मुश्किल से 2.5 साल का था वो, बेयरली मीन्स होता हार्डली, तो वो क्या चाहते थे, वॉन्टेड हिज एल्डर सन टू बिकम एन ऑफिसर, वो अपने बड़े लड़के को चाहते थे अधिकारी बनना इंडियन आर्मी, भारतीय आर्मी में। ठीक है, तो वो चाहते थे कि जो उनका जो सबसे बड़ा लड़का है वो भारतीय आर्मी ज्वाइन करे, उस समय वो मुश्किल से 2.5 साल के थे। ठीक है, और जब वो शहीद हुए, जो अभी जो फ़िलहाल जो अभी आर्मी जिन्होंने ज्वाइन की है, वो उस समय मुश्किल से 45 दिन के थे। ठीक है, मतलब ये छोटे लड़के ने आर्मी ज्वाइन की है, उनके बड़े लड़के ने नहीं की है। आफ्टर एल्डर ब्रदर कुणाल ऑप्टेड फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है, तो जो उनका जो बड़ा भाई कुणाल है, जिनके उनके फादर सपना देखते थे कि ये आर्मी ऑफिसर ज्वाइन करे, तो उसके इंजीनियर चूज़ करने के बाद, ऑप्ट फॉर मिस होता है सेलेक्ट करना, ठीक है, चूज़ करना किसी चीज़ को, तो उनके जो इंजीनियरिंग चूज़ करने के बाद, ठीक है, चुनने के बाद, प्रज्वल टुक इट अपॉन हिमसेल्फ, ओके, टेक इट अपॉन वन सेल्फ का मतलब होता है बीड़ा उठाना, जिम्मेदारी उठाना, मतलब टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो प्रज्वल है, जो जब उनके फादर शहीद हुए थे, तो उस समय 45 डेज के थे ओनली, ठीक है, तो उन्होंने बीड़ा उठाया टू फुलफिल देयर फादर्स ड्रीम, अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए। ठीक है, नाउ ओवर 23 ईयर्स लेटर, ठीक है, तो अब बोलना, अब
23 सालों से भी ज़्यादा के बाद, ठीक है, प्रज्वल इज सेट टू, तो प्रज्वल रेडी हो गया, तैयार है टू ज्वाइन द प्रेस्टिजियस इंडियन मिलिट्री एकेडमी। प्रेस्टिजियस मीन्स होता सम्मानित, जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है उसमें शामिल होने के लिए वो तैयार हो गए प्रज्वल। ठीक है, ये कहाँ पे पढ़ता है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी एट देहरादून, देहरादून में। और किस रूप में ये ज्वाइन होंगे? एज अ कैडेट, एक कैडेट के रूप में, इन अर्ली जून, जून की शुरुआत में। ठीक है, हाउएवर, हालांकि इट वॉज नॉट ईजी फॉर द 23 ईयर ओल्ड। तो ये बोले इट वॉज नॉट ईजी, ये आसान नहीं था फॉर किसके लिए, ये जो 23 साल का जो लड़का उसके लिए आसान नहीं था। हु हैड टू फेस, जिसको सामना करना था, 9 सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये 9 सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है के जो इंटरव्यूज होने थे उनका सामना करना, तो उसके लिए इतना आसान भी नहीं था। टू अचीव हिज गोल, अपने लक्ष्य को हासिल करना, जो उसका गोल था उसको हासिल करने के लिए इतना आसान भी नहीं था। दिस वॉज माई लास्ट अटैम्प्ट, तो ये मेरा आखिरी अटैम्प्ट था, ये प्रज्वल ने वो बोलना है। ठीक है, सो इसलिए आई हैड टू प्रिपेयर आ स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान, तो मुझे एक एक स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान तैयार करना था। ठीक है, आई क्रैक्ड कैट, मैंने कैट को क्रैक किया, क्रैक मिस होता किसी चीज़ में सफलता हासिल कर लेना। ठीक है, एंड गॉट ऑफर्स, और मुझे ऑफर आया फ्रॉम IIM इंदौर, जो इंदौर में IIM है वहाँ से मुझे ऑफर आया, एंड कोझीकोड़े, और कोझीकोड़े से ऑफर आया दिस मंथ, इस महीने। प्रज्वल टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया, जी प्रज्वल ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। ठीक है, सविता समरी 52, जो सविता समरी थे 52 की, प्रज्वल्स मदर, जो प्रज्वल की माँ है, ठीक है, सैड, तो उन्होंने कहा शी वॉज डिटरमाइंड, वो दृढ़ निश्चय उन्होंने कर रखा था टू सी वन ऑफ हर सन्स, अपने दोनों लड़कों में से एक लड़के को देखना चाहती थी, उन्होंने ये माइंड मेकअप कर रखा था। फुलफिल हर हस्बैंड्स ड्रीम, जो उनके पति के सपनों को साकार करेगा, तो उसके लिए उन्होंने दृढ़ निश्चय कर रखा था कि उन दोनों लड़कों में से एक लड़का तो उनके पति के सपने को साकार करेगा। ठीक है, मतलब कि उसे फुलफिल करेगा। आफ्टर कुणाल कुडंट डू इट, कुणाल के ना करने के बाद, मतलब कुणाल के ज्वाइन आर्मी ज्वाइन ना करने के बाद, वी होप्ड, हमने उम्मीद लगाई, प्रज्वल डिड, प्रज्वल ने कर दिया। आई फील प्राउड, आई फील वेरी प्राउड, मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है। ठीक है, शी सैड, उन्होंने कहा। सविता इज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर, सविता एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है। ठीक है, एट पुलगांव आर्मी हॉस्पिटल, जो पुलगांव में आर्मी का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर। ठीक है, मैरिड, तो ये जो सविता, इन्होंने शादी की थी इन 1991 में। ठीक है, शी लिव्ड इन त्रिवनंदरुम, तो वो त्रिवनंदरुम रहती थी। ठीक है, ये बेलागांव, गांव तो बेलागांव, एंड कोलकाता, कोलकाता में। ठीक है, बेलागांव में रही और कोलकाता में रही। ठीक है, विद कृष्णा जी, कृष्णा जी के साथ में जो शहीद हो गए, बिफोर ही लेफ्ट फॉर कारगिल, उनके कारगिल जाने से पहले। एज कृष्णा जीज पेरेंट्स हैड पास्ड अवे, एज मीन्स होता वैन, जब। ठीक है, जो कृष्णा जी जो शहीद हो गए हैं, उनके जैसे ही पेरेंट्स उनके पास्ड अवे हुए, ख़त्म हो गए, सविता सेटल डाउन, सेटल डाउन मीन्स होता बस जाना। ठीक है, सविता सेटल डाउन इन पुलगांव, तो पुलगांव में जाके सविता बस गई। क्लोज टू हर पेरेंट्स होम, जो उनके पेरेंट्स के जो होम है, जो जो सविता है उनके माँ बाप के घर के पास में ये होगा। ठीक है, वी डोंट नो, हमें नहीं पता था द एग्जैक्ट डेट, जो सटीक डेट है वो हमें नहीं पता है। ठीक है, बट लेकिन वी ऑब्जर्व हिज कृष्णा जीज डेथ एनिवर्सरी, तो जो कृष्णा जी की जो पुण्यतिथि है, ऑब्जर्व मीन्स होता सेलिब्रेट करना। ठीक है, हम मनाते हैं ओनली July 30, सिर्फ 30 जुलाई को मनाते हैं। सैड प्रज्वल, प्रज्वल ने कहा, तो बोलेंगे हमें एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है कब वो ख़त्म हुए थे, शहीद हुए थे, बट हम 30 जुलाई को हम उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि है, उसे ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सेलिब्रेट करने का मतलब था मनाना, मतलब कि इन 2018 2018 में प्रज्वल हैड टेकन अ ड्रॉप, टेक अ ड्रॉप मिस होता है स्कूल छोड़ देना। ठीक है, आफ्टर क्लास 12th, 12वीं के बाद उन्होंने ड्रॉप कर दिया था, टू प्रिपेयर फॉर NDA, NDA की तैयारी के लिए, प्रिपेयर फॉर मिस होता है तैयारी करने के लिए, एंड क्लियर, और उन्होंने क्लियर कर दिया था द फर्स्ट SSB, जो पहला SSB था उसे क्लियर कर दिया था, क्रैक कर दिया था। आई मिस्ड आउट, मैं चूक गया इन मेडिकल टेस्ट में। ठीक है, जो चिकित्सा संबंधी जो टेस्ट होते हैं उसमें वो मिस आउट हो गए, मतलब उसमें चूक गए वो। द सेम ईयर, उसी साल प्रज्वल इनरोल्ड, प्रज्वल ने दाखिला लिया इन BSc में एट पूनास
फर्गूसन, जो पुणे का कोई फर्गूसन कॉलेज है वहाँ पर, ठीक है। आई मेड इट, अब मेड इट, मेक इट का मतलब होता सक्सीड, सफलता प्राप्त करना। आई मेड इट, मैंने सफलता प्राप्त की। टू सेवन मोर SSB इंटरव्यूज, जो 7 और SSB के जो इंटरव्यूज हुए थे उसमें मैंने सफलता प्राप्त की। मेड इट, ठीक है, इसका मतलब होता है सफलता प्राप्त करना। ईच टाइम, प्रत्येक बार। आई वेंट पास्ट, ओके, गो पास्ट का मतलब होता है बाधा पार कर देना, ठीक है। आई वेंट पास्ट स्क्रीनिंग, तो मैंने स्क्रीनिंग पास कर दी। बट गॉट कॉन्फ्रेंस आउट, ठीक है, कॉन्फ्रेंस से आउट हो गया, मतलब बाहर हो गया, एग्जिट हो गया। द रीज़न वॉज नॉट मैंशन, जो कारण था वो उसका जिक्र नहीं किया गया, उसे वो बताया नहीं गया। ही सैड, उन्होंने कहा, ठीक है। आफ्टर हिज 8th अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट, अनसक्सेसफुल मीन्स होता असफल, अटैम्प्ट मीन्स होता कोशिश, अपनी 8वीं असफल कोशिश के बाद, ठीक है। प्रज्वल हैड ऑलमोस्ट गिवन अप, तो प्रज्वल ने लगभग गिवन अप कर दिया था, मतलब कि त्याग दिया था, हिम्मत हार गए थे वो, ठीक है। वैन आ नेबर, जब एक पड़ोसी नितिन कोठे, जिनका नाम क्या है नितिन कोठे, तो उन्होंने क्या किया, आर्ज हिम, उनसे विनती की, टू मेक आ लास्ट गैस बेट, एक अंतिम कोशिश करने के लिए, ठीक है। लास्ट गैस मीन्स होता अंतिम सांस या अंतिम कोशिश, ठीक है, तो बिड मीन्स होता कोशिश। एंड इट पेड ऑफ, और ये रंग लाई, ठीक है। तो पे ऑफ मीन्स होता है जब कोई चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है तो वो तब यूज़ करते हैं, ठीक है। मैनी हैड वॉर्न्ड हिम, कईयों ने उन्हें चेतावनी दी थी अबाउट द आर्मी लाइफ्स पैरेल्स, तो जो आर्मी की लाइफ के जो संकट होते हैं, जो संकट उसमें आते हैं उनकी लाइफों में, जो उनकी जिंदगी जो कठिनाइयों से भरी होती है, तो उसके बारे में कईयों ने उनको बताया था। सैड कोठे, कोठे ने ये बोला, ठीक है। अ टीचर एट द इंडियन मिलिट्री स्कूल, तो ये एक टीचर हैं इंडियन मिलिट्री स्कूल के, इन पुलगांव, पुलगांव में, ठीक है। तो पैरेल्स मिस होता संकट, डेंजर। बट लेकिन प्रज्वल हैड नो सेकेंड थाट, तो प्रज्वल ने एक बार भी नहीं सोचा, मतलब गिव अ सेकेंड थाट, ठीक है। तो ही डिंट गिव अ सेकेंड थाट, उसने दूसरी बार सोचा ही नहीं, मतलब तुरंत हाँ कर दिया। ही स्टक टू हिज IMA गन्स, और वो स्टिक टू मिस होता है किसी वादे से या किसी चीज़ से चिपके रहना, बने रहना उस पर। तो जो उनकी IMA की जो गन्स थी, तो उससे मतलब चिपके रहे, मतलब अपने जो एम गोल था उससे वो चिपके रहे। एंड लेट द IIM ऑफर पास, और जो IIM से ऑफर आया था उसे जाने दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो स्टिक टू प्रॉमिस मिस होता है स्टिक टू प्रॉमिस, स्टिक टू रूल्स, स्टिक टू, इस तरीके से ये वर्ड बनाते हैं। इसका मतलब था किसी चीज़ से चिपके रहना, ठीक है, बने रहना। ओके सर गाइज, इसमें जो टफ वर्ड्स हैं वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, और इस न्यूज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जाके आप इस न्यूज़ को पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।